अभी हम लोग दरभंगा सदर का जो काउंसलिंग प्लस टू बीकेडी विद्यालय जिला स्कूल लहरिया सराय में है, जहां आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए इस कोरोना जैसी महामारी में कोविड-19 का पालन करते हुए हमारे शिक्षक अभ्यर्थी सरकार भी धन्यवाद के पात्र हैं कि कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने विद्यार्थी हित को शिक्षक हितों को देखते हुए शिक्षक बहाली प्रक्रिया को जारी रखा है। इसके लिए हम लोग बिहार सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अभी देख सकते हैं दरभंगा सदर का काउंसलिंग प्लस टू बीकेडी जिला स्कूल लहरिया सराय में हम लोग हैं। हजारों की संख्या में यहां अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं। यूआर सीट पे एक विकलांग का अभी तक मात्र चयन हुआ। अभी हम लोग प्लस टू बीकेडी विद्यालय सदर कहां जहां काउंसलिंग हो रही है, अभी हम लोग लहरिया सराय में हैं। अभी 65% पे दृष्टि बाधित एक अभ्यर्थी का चयन किया गया था, जिसमें बाद में पता चला कि वो विकलांग ही नहीं, तो अभी जस्ट उसको रद्द कर दिया गया है। उस सीट को जो 65% पे जो सिलेक्शन हुआ था बीसी में, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ की काउंसलिंग जारी है। अभी हम लोग 63% वाले का सिलेक्शन उस 65% वाले के जगह पे अभी हुआ, तो यूआर के अभ्यर्थी थे, उन्होंने गलत तरीके से हैंडीकैप्टेड सीट पे उन्होंने अपना दावा पेश किया था, जिसको रद्द करते हुए 63% वाले दूसरे अभ्यर्थी का, तो 65% पे श्रवण बाधित में, 63% पे दृष्टि बाधित में अभी तक चयन हुआ।